वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। आज की पेशकश है ओ आई विश आईड लुक्ड आफ्टर मी टीथ। बस इसका टाइटल ही बड़ा है, पोएम तो छोटी सी है। और पोएट्रेस है पैम आयरिस। रुको, टाइटल पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ओ आई विश आईड लुक्ड आफ्टर मी टीथ, तो बहुत सोच रहे होंगे मी टीथ, इसकी जगह तो माई टीथ होगा। भाई मैं तुम्हारा पागल नहीं बना रहा, सही में मी टीथ ही है। तो एग्जाम में अगर चैप्टर का नाम पूछा जाए तो मी टीथ ही लिखना, फालतू का माई टीथ लिख दिया तो एक मार्क्स चला जाएगा। तो जैसा कि हमें टाइटल से पता चल रहा है, पोएम दांतों पर है। तो इसमें कवि अपने दांतों की देखभाल ना करने के लिए पछताती है। वो बहुत सारी टॉफीज, चॉकलेट और मीठा खाना खाती है जो उसके दांतों में चिपक जाता है और खतरा पैदा करता है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने अपने जीवन में कभी ज्यादा टॉफी चॉकलेट नहीं खाई, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी बेटा दांतों में कीड़े लग जाएंगे। तो मेरा बचपन इसी डर में चला गया कि अगर मैं ज्यादा टॉफी चॉकलेट खाऊंगा तो कॉकरोच जैसे कीड़े मेरे मुंह में रहने लगेंगे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, जब हम ज्यादा टॉफी चॉकलेट और मीठा खाते हैं तो दांत सड़ जाते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं और तब दांतों की फिलिंग करानी पड़ती है। तो पैम के जितने दांत नहीं थे उससे ज्यादा तो उसने फिलिंग करवा रखी थी। फिर वो सोचती है काश मैंने अपनी पॉकेट मनी बुक्स खरीदने पर लगाई होती, पर मैंने उन पैसों से टॉफी चॉकलेट खा खा कर अपने दांतों को सड़ा लिया। फिर वो याद करती है कैसे उसके मम्मी पापा उसे कहते थे बेटा ब्रश कर लो, लेकिन वो ब्रश करने का सिर्फ नाटक करती थी। उसे लगता था ब्रश करने से टाइम वेस्ट होता है और ये बड़ा ही बोरिंग काम है, तो इसीलिए वो बस ब्रश करने की एक्टिंग करती थी। पर अब उसे एहसास हो रहा है कि वो एक्टिंग उस पर बहुत ही भारी पड़ रही है। और जब वो लॉलीपॉप चूसा करती थी और कैंडी खाया करती थी और छोटी बड़ी स्वीट्स खाती थी, उन चीजों को याद करके उसे गलती का एहसास हो रहा है। तो कवि ने इतनी मीठी चीजें खाते हुए फ्यूचर का कुछ नहीं सोचा, पर अब पछता रही है। जितना टाइम उसने ब्रश नहीं किया होगा उससे ज्यादा टाइम तो उसने खाने पीने में लगा दिया, उससे कैविटी कैप्स और डिके का खतरा बढ़ गया, सारी फिलिंग्स खराब हो गई। तो अब वो पहुंच गई है डेंटिस्ट के पास। भाई मैं तो एक ही सलाह दूंगा, जब भी डेंटिस्ट की चेयर पर लेटो और वो तुम्हारे दांतों पर काम कर रहा हो तो आंख बंद कर लेना, अगर तुम्हें उसके नाक के बाल देखने का शौक नहीं है तो। हाँ, तो अब डेंटिस्ट कवि के मुंह के अंदर ड्रिल मशीन चला रहा होता है और वो दुख में सोचती है कि पहले मैं अपनी माँ के नकली दांतों का मजाक उड़ाती थी, पर अब लगता है मेरे भी जल्दी नकली दांत लग जाएंगे। और इसी लाइन के साथ हमारी पोएम होती है खत्म। तो इस पोएम का मॉरल है खाओ पियो ऐश करो। 32 दांत है यार, एक दो कम भी हो गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, और अगर तुम्हें एक दो दांत नहीं गंवाने तो ब्रश भी करते रहो।